वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड में 50 डेज सर्वाइव करने की। लेकिन ये एक नॉर्मल सुपर फ्लैट वर्ल्ड नहीं है। इस वर्ल्ड में ना ही पेड़ है, ना ही पानी और ना ही किसी टाइप का स्ट्रक्चर। ये वर्ल्ड बना है सिर्फ डर्ट की 3 लेयर से और उसके ऊपर बहुत सारे मॉब्स। और मुझे सर्वाइव करने के लिए सिर्फ मिलेंगी एक बोनस चेस्ट, और इस चेस्ट को यूज करके मुझे ट्राई करना है 50 डेज सर्वाइव करने की। लेकिन मेरा मेन एम होगा वुड कलेक्ट करना। हाँ, तुमने सही सुना, शायद ये सुनने में बहुत अजीब लगे, लेकिन इसे कलेक्ट करने में मुझे जो भी हालत हुई है वो तुम्हें वीडियो में पता चलेगा। और इस वीडियो का आइडिया क्रेडिट भी जाता है रिसिबल ट्विंस को। तो चलो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पॉन होते सबसे पहले मैं बोनस चेस्ट को तोड़ता हूँ और उसके बाद उसको वहीं पे प्लेस कर देता हूँ। पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके आया था मैं। उसके बाद मुझे एक 15x15 एरिया को स्पॉन प्रूफ बनाना था, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक डर्ट की वॉल बना लेता हूँ। उसके बाद फ्लोर से थोड़े से ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़े से ब्लॉक वहीं पे रहने देता हूँ ताकि वहाँ पे स्लाइम स्पॉन ना हो। तो एरिया को स्पॉन प्रूफ बनाते बनाते शाम हो जाती है। उसके बाद मैं सनसेट का व्यू एंजॉय करता हूँ और रिलैक्स करता हूँ। तो रात होती मैं अपने बेस के नीचे चले जाता हूँ और डर्ट माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद पूरी रात मैं सिर्फ डर्ट ही माइन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए काम भी नहीं था। दिन होते ही मैं अपने बेस के आजू बाजू एरिया को स्पॉन प्रूफ बनाना चालू कर देता हूँ, क्योंकि उसके आजू बाजू भी बहुत सारे स्लाइम स्पॉन हो रहे थे जो कि मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहे थे। और पता नहीं ये मेरी इन्वेंटरी में ट्रेडर व्हाइट की लीड कैसे आ गई थी। उसके बाद पूरे दिन मैं सिर्फ एरिया को स्पॉन प्रूफ बनाता हूँ। डे 2 को मैं चल जाता हूँ बहुत सारे मॉब्स को मारने, क्योंकि मुझे खाने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैं ज़ॉम्बी का रोटन फ्लैश तो नहीं खाना चाहता था। तो थोड़े से मॉब्स मारने के बाद मैं अपने एरिया को वापस स्पॉन प्रूफ बनाना चालू कर देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई काम भी नहीं था। तो एरिया को स्पॉन प्रूफ बनाने के लिए मेरे पास डर्ट की कमी जा रही थी, तो फिर मैं डे 3 को पूरे दिन सिर्फ डर्ट माइन करता हूँ। डे 4 और डे 5 को मैं सिर्फ अपना बेस एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं 10 बार अपना एरिया एक्सटेंड करूँ। मैं इसे एक बार में करके छोड़ देना चाहता था, इसलिए मैं सिर्फ अपना बेस ही एक्सटेंड करता हूँ। डे 6 से लेकर डे 10 तक मैं सिर्फ डर्ट माइन करता हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करना था जिसके लिए मुझे एटलीस्ट 1600 डर्ट ब्लॉक्स लगेंगी, इसलिए मैं सिर्फ माइनिंग ही करता हूँ। डे 10 को मैं अपने बेस के आजू बाजू में डर्ट की बाउंड्रीज बना देता हूँ, और पता नहीं स्लाइम मेरे पीछे क्यों पड़ गया था, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं मारता हूँ, बिकॉज आई एम नूब। यहाँ पे मैंने 10 डेज तो सर्वाइव कर लिया बहुत इजीली, और अब मुझे जरूरत है पानी की ताकि मैं अपनी आगे की प्रोग्रेस भी स्टार्ट कर सकूँ। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हमें पानी का कोई ब्लॉक मिलता ही नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे पानी हमें मिलेगा तो मिलेगा कैसे। हाँ बिल्कुल, हमें पानी मिलेगा आसमान से। अरे कहना क्या चाहते हो। तो हम लोग माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में बारिश का पानी जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लगेगा कोल्ड रन, और कोल्ड रन बनाने के लिए हमें जरूरत होगी 7 आयरन्स की। लेकिन हम लोग ये वर्ल्ड में आयरन तो माइन नहीं कर सकते है। अब बात आती है कि हमें आयरन कहाँ से मिलेगा। तो आयरन हमें मिलेगा ज़ॉम्बी से। हाँ, ज़ॉम्बी से। ज़ॉम्बीज के 1.27% चांसेस रहते हैं कि वो मॉब ड्रॉप में आयरन ड्रॉप करे, इसलिए डे 10 से मैं काम चलाऊ मॉब फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो तुम लोग एंजॉय करो अब टाइम लैप्स।
डे 13 तक मेरा ये फॉर्म बन के रेडी हो गया था और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। उसके बाद डे 13 और डे 14 को मैं सिर्फ मॉब्स ही मारता हूँ और लकीली मुझे डे 14 को मेरा पहला आयरन भी मिल जाता है। डे 15 को भी मैं ज़ॉम्बीज़ मारना कंटिन्यू रखता हूँ और लकीली उस दिन मुझे 3 आयरन और मिल जाते हैं। डे 16 को भी मैं सिर्फ मॉब्स ही मारता हूँ और लकीली उस दिन मुझे और 2 आयरन मिल जाते हैं। अब मैं मॉब्स मार मार के बोर हो गया था तो मैं डे 17 को एक एरिया बनाना स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ पे मैं अपने पिक्स को रख सकूँ। तो यार एंजॉय द टाइम लैप्स। डे 18 को मैं निकल जाता हूँ पिक्स को फाइंड करने। अब तुम लोग भी ये सोच रहे होंगे कि मैं पिक्स क्यों ढूंढ रहा हूँ। तो पिक्स को हम लोग थंडरस्टॉर्म की हेल्प से पिगमैन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको मार के हमें गोल्ड मिलेगा और गोल्ड का यूज करके हम लोग गोल्डन एप्पल बना सकते हैं जिससे हम लोग ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सके। इसलिए मैं पिक्स को जमा करता हूँ और उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करा देता हूँ। 19 को भी मैं ज़ॉम्बीज ही मारता हूँ और इस दिन मुझे और 2 आयरन मिल जाते हैं और फाइनली हमें हमारे कोल्डन के लिए आयरन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने बेस की तरफ जा ही रहा था तब मुझे देखा कि मेरी हाफ HP है और मेरी हंगर बार पूरी लो है और मैं मौत को छू के जस्ट वापस आया हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले रोटन फ्लैश खाता हूँ, अपनी हंगर बार बढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाकर कोल्डन बना लेता हूँ और उसको अपने बेस के बीचों बीच रख देता हूँ। डे 20 को मैं एक हो बना लेता हूँ और स्केलेटन से मिली बोन्स का यूज करके मैं पोटैटो ग्रो करता हूँ ताकि मैं अपने पिक्स को ब्रीड करा सकूँ और उसके बाद मैं फिर अपने पिक्स को ही ब्रीड कराता हूँ। डे 21 को मैं सिर्फ ज़ॉम्बीज ही मारता हूँ क्योंकि मेरे पास बकेट के लिए आयरन जमा नहीं हुए थे और ज़ॉम्बीज मारते मारते यहाँ पे बारिश चालू हो जाती है। तो मैं जल्दी से अपने कोल्डन के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि उसकी फर्स्ट लेयर फिल हो जाती है। तो मैं खुशी के मारे उस दिन कुछ नहीं करता हूँ। डे 22 से लेकर डे 24 तक मैं सिर्फ ज़ॉम्बीज मारता हूँ और पिक्स को भी ब्रीड कराता हूँ और डे 24 तक मुझे 3 आयरन के इंगट और मिल जाते हैं और उस दिन बारिश भी चालू हो जाती है। तो मैं जल्दी से ज़ॉम्बी को मारता हूँ और सो जाता हूँ। डे 25 को मैं जल्दी से अपने कोल्डन के पास जाता हूँ और देखता हूँ तो पूरा फुल हो चुका था। उसके बाद मैं जल्दी से 3 आयरन से एक बकेट बनाता हूँ और कोल्डन से पानी ले लेता हूँ और उस दिन मुझे पानी मिल गया था। तो खुशी के मारे मैंने उस दिन कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वेले जैसा बैठा रहा। तो फाइनली हमें पानी मिल चुका था। तो डे 26 से मैं एक फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ पे मैं फार्मिंग कर सकूँ। तो यार एंजॉय द टाइम लैप्स। फाइनली डे 27 तक ये फार्म बनके रेडी हो चुका था और उस दिन मैं पहली बार अपने इस वर्ल्ड में ब्रेड बनाता हूँ और इसे पूरे मजे करके खाता हूँ। उसके बाद डे 28 से लेकर डे 30 तक मैं फार्मिंग करता हूँ, पिक्स को ब्रीड करता हूँ और ज़ॉम्बीज को भी मारता हूँ। डे 31 को मैं जैसे ही पिक्स को ब्रीड करने के लिए जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि वो लोग पिकलिन में ट्रांसफर हो गए थे। उसके बाद तो फिर तो पिगलिन को मार के मुझे 46 के गोल्ड इंगट मिल गए थे। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। डे 32 को मैं AFK करता हूँ। डे 33 को भी मैं AFK करता हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ काम भी नहीं था। इस गेम को खेल के मैं इतना बोर आज तक नहीं हुआ जितना अब हो रहा हूँ। डे 33 को मैं फिर वापस से फार्मिंग और पिक्स को ब्रीड कराता हूँ क्योंकि उसके अलावा करने के लिए और कुछ काम भी नहीं था मेरे पास। डे 34 को मैं ज़ॉम्बीज को ड्राउन बना के मारता हूँ क्योंकि ड्राउन से ही हमें कॉपर मिल सकता है जिससे हम लोग लाइटनिंग रॉड बना सकते हैं। ज़ॉम्बीज को मारते मारते मेरे पीछे एक स्लाइम पड़ जाता है और तुम लोग को तो पता है मैं कितना बड़ा प्रो हूँ था। I am noob. उसके बाद पूरा दिन मैं ज़ॉम्बीज को ड्राउन बना के ही मारता हूँ। डे 35 को भी मैं सिर्फ ज़ॉम्बीज को ड्राउन बना के मारता हूँ और उस दिन एक ट्राइडेंट वाला बंदा भी आ जाता है तो मैं उसको मारता हूँ और मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी है कि मुझे ट्राइडेंट नहीं मिलता है। उसके बाद पूरे दिन मैं सिर्फ ड्राउन को ही मारता हूँ। डे 35 तक मुझे 3 कॉपर के इंगट मिल जाते हैं जो कि इनफ है एक कॉपर की रॉड बनाने के लिए। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, एक कॉपर की रॉड बनाता हूँ और उसे अपने पिक्स के पास प्लेस कर देता हूँ। डे 36 को मैं फार्मिंग करता हूँ और उसके बाद टाइम पास।
डे 37 को मैं पिक्स को अपग्रेड करता हूँ और लेजिट ये मेरे पास इतने पिक्स हो गए थे कि मुझे आराम से बहुत गोल्ड मिल सकता था। अब सिर्फ इंतजार था मुझे एक थंडरस्टॉर्म का। डे 38 और डे 39 को मैं वापस ही एफके करता हूँ ताकि थंडरस्टॉर्म आ जाए, लेकिन वो नहीं आता है। फाइनली डे 40 को थंडरस्टॉर्म आ जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके कितने चांसेस है कि वो लाइटनिंग रॉड पे उसकी फायर बोल्ट गिरेंगी, इसलिए मैं जाता हूँ और सो जाता हूँ इस होप में कि पिछले बार जैसे पिक्स पिगलिन में कन्वर्ट हो जाए। डे 41 को मेरा डिवाइस थोड़ा लैग होना स्टार्ट होता है, तो मैं देखता हूँ तो पिक्स पिगलिन में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद फिर पिगलिन्स को मार के मुझे बहुत सारा गोल्ड नगर मिल जाता है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और इसको गोल्ड इंगट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और गोल्डन एप्पल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। अब मैं फाइनली विलेजर को क्योर कर सकता हूँ। डे 42 को मैं फार्मिंग करता हूँ और पिक्स को ब्रीड कराता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास सेकेंड गोल्डन एप्पल के लिए गोल्ड जमा नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं पिक्स को ब्रीड कराता हूँ। डे 43 को हमारे जॉम्बी फार्म में एक जॉम्बी विलेजर आया था, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और उसको जहाँ पे हम लोग जॉम्बीज को मारते हैं वहाँ पे जाके उसको कैप्चर कर लेता हूँ। उसके बाद पिक्स को ब्रीड कराता हूँ। डे 44 को हमारे वर्ल्ड में एक विच स्पॉन हुई थी और इसको पकड़ने के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं मारा हूँ। फाइनली डे 45 तक मैं विच को ट्रैप कर लेता हूँ और जॉम्बी विलेजर को भी क्योर कर लेता हूँ और उसके बाद पूरे दिन सिर्फ रेस्ट करता हूँ। तो यार हमने 45 डेज तक इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर लिया और बिल्स के नाम पे मेरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, तो चलो अब जल्दी से इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इस जॉम्बी फार्म को हटाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रीपर्स स्पॉन हो रहे हैं और पूरे एरिया को बर्बाद करके रख रहे हैं, तो चलो जल्दी से तुम लोग पहले इसको तोड़ने का टाइम लैप्स एंजॉय करो। फाइनली डे 47 तक जॉम्बी फार्म टूट जाता है। अब जल्दी से कंस्ट्रक्शन का काम चालू करते हैं। फाइनली गाइज डे 50 आ चुका है। हम लोग ने टोटल 50 डेज सर्वाइव कर चुके हैं इस फ्लैट वेल में, जहाँ पे हमारे पास ना ही पानी था, ना ही वुड और ना ही किसी टाइप का स्ट्रक्चर। तो या इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि मैं इस वर्ल्ड में 100 डेज कैसे सर्वाइव कर पाता हूँ, तो इस वीडियो में मुझे चाहिए 500 लाइक्स। तो 500 लाइक्स तो तुम लोग इजीली करा दोगे, तो या लाइक करो। और हाँ, और ऐसी वीडियोस चाहिए 100 डेज वाली तो मुझे कमेंट में बताओ और टॉपिक्स भी दो। तो यार प्लीज़, इस फ्लैट वर्ल्ड वाली वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज़ यार तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लगेगा एक लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो। चलो अब मैं तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट में बताना तुम्हारा इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तो चलो यार, बाय बाय। Damn.